जगन्नाथ जी ने इसीलिए हनुमान जी के भक्त बने हैं कि पूरे प्रदेश में हनुमान जी का मान सम्मान और हर तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता तक उनके नेचर में लाएंगे कि हनुमान जी हमारे इष्ट देवता हैं, राम भगवान के भक्त हैं हनुमान जी। तो भगवान का राम को तो अपने गांव में कहीं भी जाओगे राम राम करते ना, यहाँ तो गुड मॉर्निंग में क्या क्या शुरू करते थे तो बुढ़िया जी वहाँ पे गांव में आज दिल दिमाग में राम को आज बिठा रखा और सुबह से उठ के राम 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 राम। तो राम को तो एक और तो आप अपने कमलनाथ जी हनुमान भक्त साबित कर रहे हैं, आप उनकी पैरवी भी कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्नाटक में बजरंग दल को बैन लगाने की बात हो रही है, तो आप सहमत है कि मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो यहाँ बजरंग दल को बैन करेंगे? बजरंग दल कोई भी संस्था है अपने साफ सुथरे दिमाग से काम करे तो ठीक है, पर ये बजरंग दली ये भगवान हनुमान जी को बदनाम करते हैं, उनके नाम से संगठन बनाए फिर उसको राम नाम जपना परामाल अपना और सब जेब भरने का काम करते हैं वो है। हनुमान जी के नाम से जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वो बना गद्दारी है, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो नकली है जो हनुमान जी के बना नाम लेके ना अपना पेट भरने का काम करे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, करेंगे कार्रवाई मध्य प्रदेश करेंगे सरकार आ रही है। योजना का शुभारंभ हम सुभाष नगर से करने जा रहे हैं, आप सब सादर द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।